आज की वीडियो का टॉपिक है शोल्डर जॉइंट एंड क्लेविकल फ्रैक्चर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चाइल्ड के क्लेविकल फ्रैक्चर के बारे में, जो कि मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर है शोल्डर जॉइंट में, क्लेविकल फ्रैक्चर। ठीक है, वो भी मिडिल शाफ्ट का जो क्लेविकल फ्रैक्चर है वो बहुत ही कॉमन फ्रैक्चर है, जो कि चाइल्ड में अक्सर फ्रैक्चर हो जाती है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि चाइल्ड का क्लेविकल फ्रैक्चर कैसे रीड किया जाता है और एक्सरे में कैसे दिखाई देता है। तो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल उदय एक्सरे एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट। हेलो दोस्तों, मैं हूं उदय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उदय एक्सरे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों के क्लेविकल फ्रैक्चर के बारे में। ठीक है, कि वह एक्सरे में किस टाइप से दिखाई देती है और उसे कैसे रीड करते हैं और उसे कैसे डायग्नोस करते हैं। ठीक है, तो आज जो मैंने दोस्तों एक्सरे किया है एक 3 ईयर ओल्ड बच्चे का, ठीक है, तो उसमें मुझे क्लेविकल में फ्रैक्चर दिखाई दिया है, है ना। चलिए देखते हैं, आ जाइए स्क्रीन पर। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, यह है शोल्डर जॉइंट का एपीयू किया है मैंने। ठीक है, तो उसमें जो फाइंडिंग निकल के आ रही है किसके क्लेविकल में फ्रैक्चर दिखाई दे रहा है, वो भी साफ्ट में। ठीक है, तो हम देख लेते हैं पहले थोड़ा सा सराउंडिंग बोन्स कौन कौन सी हैं शोल्डर जॉइंट में। ठीक है, ये चाइल्ड का 2 साल का बच्चा है। ठीक है, तो ये इसकी यहाँ से यहाँ तक ये क्लेविकल है। ठीक है, लेफ्ट साइड ये लेफ्ट शो कर रहा है, ये क्लेविकल, ये स्केपुला और ये है ह्यूमरस बोन। ठीक है, ये हेड ऑफ ह्यूमरस हो गया। ठीक है, और ये है एक्रोमियम प्रोसेस है। ठीक है, और ये कोरोकॉइड प्रोसेस। ठीक है, ये यहाँ पर स्टर्नो स्टर्नम से जुड़ा होता है क्लेविकल से, स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट बोलते हैं, और यहाँ पे एक्रोमियम से, तो इसे एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो इस बच्चे के एक्सरे में दोस्तों देखा, आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि यहाँ पर क्लेविकल ब्रोकन दिखा रही है, ब्रेक हो गई, टूट गई है, वो भी मिडिल शाफ्ट है। इसका ये प्रॉक्सिमल एंड कहलाता है और ये डिस्टल एंड कहलाता है। ये प्रॉक्सिमल, मिडिल शाफ्ट और ये डिस्टल एंड, तो इसका जो बीच का हिस्सा है जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ से, इस जन से फ्रैक्चर हो गई है। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिए ये हेड ऑफ ह्यूमरस है। ठीक है, यहाँ पे आपको एपिफाइसिस एरिया है, ये है ना एपिफाइसिस और ये डायफाइसिस। ठीक है, यहाँ पे अभी ये ऑसिफिकेशन होना बाकी है ना हेड ऑफ ह्यूमरस का, क्योंकि ये 2 साल के ओल्ड बच्चे का एक्सरे है, इसलिए आपको इस टाइप से दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो क्लेविकल का फ्रैक्चर है, यह है वेरी बहुत ही कॉमन फ्रैक्चर है बच्चों के शोल्डर में। जब भी चोट लगती है तो ये बहुत कॉमन फ्रैक्चर है क्लेविकल का, है ना, आसानी से ब्रेक हो जाती है। ठीक है, थोड़ा समय से और आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ये आसानी से आप देख पा रहे हैं कहाँ से ब्रेक हुई है क्लेविकल। ठीक है, तो इस टाइप से हम क्लेविकल का एक्सरे, ये सॉरी शोल्डर जॉइंट का एक्सरे कैसे रीड करते हैं और चाइल्ड एक्सरे को कैसे रीड किया जाता है पेडियाट्रिक रेडियोग्राफी में, तो आज हमने देखा। ठीक है दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।